ये बछड़े काफ़ी अच्छे हैं, ये प्रिंट में बहुत अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। नोज़ भी इसकी पेंग है। ये कुछ नुकरे, वंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादातर पूरे फार्म पे शौक ही नुकरों का किया जा रहा है। तो एक ये दो, ये गुलाबी में आ गया बच्चा, वो फिर एक नुकरा आ गया। पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो ज़्यादातर तो इनके पास नुकरे हैं, लेकिन ये बछड़ा भी अपनी मिसाल आप है भाई। और बछड़ा ना एक प्रॉपर लुक में है, ये देखो ये है इसकी बैक, और अवेलेबल फॉर सेल है इनके फार्म पे। ये अलग तरीके का बछड़ा है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर नुकरे दिखे थे तो ये भूरे में। कितने दांत हो गया ये? दो दांत। माशाल्लाह से सलामी, और इसका वेट तो बहुत अच्छा है यार। वीडियो बनाना होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज भाई दीर, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो भाई तला भाई का जो बछड़ों का कंपार्टमेंट है उसको कवर करने आए हैं। बछड़ों का हमने पहले कर लिया था, लेकिन अलग वीडियो में हम लोग बछड़ों का करेंगे, क्योंकि इनके पास ज़्यादातर नुकरे हैं, ये नुकरों पे ज़्यादातर खेलते हैं। तो जो नुकरा लवर है उनके लिए तो ये वीडियो एक तरीके की जैसे जन्नत जैसी होने वाली है। ठीक है, आप एक एक करके बछड़े खुलवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस फार्म का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनका फार्म कैसा है, कैसा दिखता है, और इनके पास क्या क्या ब्रीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद बछड़े खोलते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू दिखाता हूँ। अगर ओवरव्यू की बात करूँ तो भाई ये इनका ओवरव्यू है, यहाँ कुछ बछड़ियाँ बंधी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अच्छे पेरेंट में बोलो और तगड़ी बछड़ियाँ बोलो तो ये भी कुछ रखी हुई हैं इन्होंने। ये भी बछड़ियाँ वहाँ पे चली आएंगी, क्योंकि बछड़े बछड़े के एक साथ नहीं रखते हैं। पेरेंट के हवाले से बताऊँ तो ये बछड़े देखो आप, ये पेरेंट में बहुत अच्छे हैं। ये बछड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत हैवी बछड़ा है। ठीक है, ये बछड़ा काफ़ी अच्छे हैं और इनके प्रिंट भी अच्छे हैं। इसके अलावा ये नुकरे शुरू हो जाते हैं। नुकरे की हाइट देखो, नुकरों का वजूद देखो। नाप झालर वाले नुकरे थोड़े कम हैं, लेकिन ज़्यादातर नुकरों पे गेम है इनका भाई। ये कहते हैं कि हमें कम नाप झालर वाले लेकिन अच्छी हाइट वाले नुकरे पसंद है। तो ये तकरीबन एक दो तीन चार, चार यहाँ खड़े हुए हैं, चार ये रहे। ठीक है, ये चेक करो, इसकी हाइटें चेक करो, इनकी वजूद चेक करो, हाइटें चेक करो, क्वालिटी बहुत ही आला है। कमर चेक करो, इनकी कमर देख लो आप, कमर भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ये भूरा भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये नुकरों में भूरा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बहुत हैवी है, वीडियो में आपको ये आधे लग रहे हैं। इसके अलावा देखो ये भी भूरा है, लेकिन ये हाइट में, जैसे ये नाप झालर में, ये आप नाप झालर में देख सकते हो, ये हाइट में। ठीक है, इसको थोड़ा दूर से कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा और लहीम शहीम है। ये वही वाले नुकरे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। इसके अलावा ये बछड़े काफ़ी अच्छे हैं, ये प्रिंट में बहुत अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। नोज़ भी इसकी पेंग है। ये कुछ नुकरे, वंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादातर पूरे फार्म पे शौक ही नुकरों का किया जा रहा है। तो एक ये दो, ये गुलाबी में आ गया बच्चा, वो फिर एक नुकरा आ गया। तो ये इनका फार्म का ऐसा ओवरव्यू है। अब इनके फार्म की जो बेहतरीन कलेक्शन है, ठीक है, वो खोल के आपको दिखाते हैं। फार्म के ऑनर ये हैं हमारे तला भाई, बहुत अच्छे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम तला भाई, अल्लाह का करम है। मुझे ये बात बताएं कि बछड़ों का कंपार्टमेंट तो हम देख कर आ गए, ये बछड़ों का है। एक ही चीज़ कॉमन लगी, नुकरा और नुकरियाँ। वजह पहले, सबसे पहले बताएं क्यों पसंद है यार। शुरू से हमने जब छोटे थे, जब से घर में नुकरा नुकरी देखे, उसी वजह से मामू को भी हमारे यही शौक है जिनके साथ में तो इसी वजह से मैं नुकरा नुकरी ही करता हूं। मुझे ये बताएं कि आपके फार्म में तीन से चार बछड़े तो खुलवाएं, ठीक है, वो हम खुलवा के दिखाते हैं हमारी आवाम को। उससे पहले मुझे एक चीज़ बताएं कि ये इनमें कौन से फॉर सेल हैं, या अभी नहीं देने, बकरीद में देने, ये क्लियर करें। है तो सारी फॉर सेल, लेकिन अभी कुछ रेडी हो रहे हैं, कुछ हुए हैं, तो जो रेडी हैं वो निकाल देंगे आप जी। जो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर हमारे तवज्जो से कोई आएगा तो आपको डिस्काउंट देख लीजिएगा। ठीक है, अदील व्लॉग्स के नाम से जो भी आएगा, डिस्काउंट कोड हो गया ये, ठीक है, अदील व्लॉग डिस्काउंट कोड हो गया जी। ठीक है तला भाई, अब दिखाएं आप बछड़े माशाल्लाह से अपने। भाई ये इनके फार्म पे ये अलग तरीके का बछड़ा है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर नुकरे दिखे थे तो ये भूरे में माशाल्लाह। ऐसे रोकें इसको, थोड़ा सा खड़े करें सही तरीके से, गुस्से में ये बहुत लग रहा है, गुस्से आ गए। तला भाई कितने दांत हो गया ये? दो दांत। माशाल्लाह से सलामी, और इसका वेट तो बहुत अच्छा है यार। वीडियो बनाना होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। बैग में आपको दिखाऊं इसकी, तो इसकी बैग का शेर, और अच्छा सलामी भी बिल्कुल, इसकी बिल्कुल स्टिक है तला भाई जी जी। जोड़ों में भी बहुत अच्छा है ये बछड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको बरकत भाई एक बार सामने से चला के लेकर आएगा। क्या दांत बोले थे आपने इसके? दो दांत। अच्छा, दो दांत, इतने बड़े वजूद पे भी दो दांत हुआ है। ये भी अवेलेबल फॉर सेल है जी जी, अवेलेबल सारी नुकरे, जो भी आपको समझ में आया आप कोई भी रब्ता कर सकते। अच्छा, मैं मतलब अभी आपने, अभी आप माल जमा कर रहे हो जी जी? हम तैयार तैयार कर रहे हो आपके हिसाब से, लेकिन अगर अभी भी किसी को चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते। सही सही, बछड़े का भाई मैं एक बार आपको ओवरऑल लुक दिखा दूँ कि अभी जो हमने चूलिस्तानी निकाला था ना, उससे भी हैवी बछड़ा है। और सलामी इसकी बिल्कुल खड़ी हुई है, कहीं से गिन नहीं रही। बैग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ये देखो। और नुकरा तो है ही है, साथ साथ भूरा है।
तला भाई, इस बछड़े के हवाले से बताएं, क्या दांत है ये? सही है, और ये क्या मतलब बकरी तक अवेलेबल है फॉर सेल? ये चार दांत हो चुके हैं और ये अवेलेबल है फॉर सेल है। अच्छा, चला दीजिएगा नंबर, ठीक है? सही है, डिस्क्रिप्शन में तो नंबर दिया हुआ मैंने। क्या वेट होगा इसका इस वक्त? अच्छा, इसको ऐसे रोकेगा ये, इसकी बैग है भाई, इसको चला के लेकर आए। अच्छा, इससे हैवी भी आपके पास हैं और या नहीं? सबसे बड़ा वैसा सबसे ही बड़ा यही तो है, लेकिन माशाल्लाह गुलाइयों के हिसाब से, अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो सही सही बछड़ा माशाल्लाह से बहुत हैवी है और हुस्न में भी काफ़ी है। बस इसको ऐसे ही रोक लें, माशाल्लाह सही है। बरकत भाई दूसरा वाला लिया, दूसरा बछड़ा भाई ये आगे है, सही है। और तला भाई इधर आ जाए, चोलिस्तानी है? चोलिस्तानी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, कब लिया था ये आपने? ये हमने अभी 4 महीने पहले लिया है। अच्छा माशाल्लाह, चुलबुला बहुत है भाई। अच्छा तो क्या एज हो गई है इसकी? इसकी 20 महीने की हो गई, इंशाल्लाह 1-2 महीने में कर लेगा। ये हिसाब से क्या वेट होगा इसका? ये अब लाइव वेट में, लाइव 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 मीट में 10+ तो है। अच्छा 10+ है ये, माशाल्लाह। ले आएगा इसको बरकत भाई तरह चला के एक बार? अवेलेबल है ये भी फॉर सेल? अवेलेबल है भाई। ये बहुत ही पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो ज़्यादातर तो इनके पास नुकरे हैं, लेकिन ये बछड़ा भी अपनी मिसाल आप है भाई। एक तो प्रिंट में भी बहुत अच्छा है, मीट वेट तो इन्होंने बताया कि 10+ है। नाव झलर भी आपकी इसकी देख सकते हो, बैग मैं आपको दिखा दूँ, इसकी बैग बहुत अच्छी है और बछड़ा ना एक प्रॉपर लुक में है। ये देखो ये है इसकी बैग, और अवेलेबल फॉर सेल है भाई। आप में से किसी को भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? बरकत भाई दूसरा लिया है, और कौन सी चीज़ें जो आप दिखानी है भाई? मैं आपको आप नुकरो एक छोटे हाइट वाले जो छोटे गुलाइयों वाले होते हैं वो दिखाना, छोटी हाइट वाले। अभी हमने हाइटेड नुकरे दिखाए आपको छोटे, तो ठीक है डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? एक और बछड़ा भाई खुलवाया है अभी, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी हैवी और ह्यूज दिखाए थे आपको ये बछड़े, सही है? अब इसमें हमने थोड़ी सी नॉर्मल कलेक्शन वाला निकाला है कि इनके पास इससे छोटे भी साइजेस हैं, तो ये नहीं है कि इससे बड़ा माल रखा हुआ है, नॉर्मल माल भी रखा हुआ है। तला भाई इसकी एज के हवाले से बताएं, क्या दांत हैं इसके? ये अभी पक्का खीरा है। अच्छा माशाल्लाह, इंशाल्लाह तैयारी पे। अच्छा अच्छा, ये मतलब कम नाप वाले बछड़े हैं? थोड़ी छोटी हाइट वाले हैं वो। अच्छा, जो आपको दिखाए थे वो हाइटेड, सही। और अच्छा ये वेट में भी थोड़े कम है, क्योंकि पहले तो आपने जॉइंट दिखाए थे, मतलब हर तरह की कलेक्शन रखी हुई, ताकि हर किसी को अपने हिसाब से चाहिए। सही है भाई, इसकी फेस ब्यूटी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बहुत हसीन इसका फेस है। वैसे नुकरों का तो खैर एक से बढ़ के एक चीज़ होते हैं, लेकिन इसका फेस बहुत छोटा सा है और काफ़ी लुक देता है ये चोलिस्तानी की, है तला भाई? लुक दे रहा है इसका फेस चोलिस्तानी बछड़ों की, छोटा सा फेस है ये। इसकी बैक में अगर आपको दिखाऊं तो भाई ये बैक है इसकी बछड़ी की, सलामी भी काफ़ी अच्छी है और पीछे से प्रॉपर बना हुआ भी है। बकर भाई इसको सामने से चला के ले आएगा एक बार। अच्छा, एक तो आपने क्वालिटी वाली दिखा दी बड़ी, एक क्वालिटी आपने ये वाली दिखा दी, इससे भी छोटी है? इससे छोटे नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये देख लो भाई, पर मैंने बोला आप लोगों को चला के भी प्रॉपर दिखा दूँ। बस रोक दें भाई, ये है इसका वजूद प्रॉपर, माशाल्लाह से एक से बढ़ के एक इन्होंने चीज़ रखी हुई है, ठीक है? बांध दें इसको भाई। एक ये चोलिस्तानी बछड़ा निकला है, ठीक है? नोज़ इसकी पिंक में थी, लेकिन हल्का हल्का इसमें ब्लैक का कोड़ा आ गया है। सही है तला भाई, ये भी फॉर सेल है जी? ये 2024 का है वैसे। अच्छा, ओए होए होए, माशाल्लाह से तला भाई, देखा जाए तो अभी से पूरा लग रहा है जी जी, 2024 में जाएगा ये? जी 2024 में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा गंदा इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि सर्दी है, नहलाना वगैरह का इंतजाम नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन ब्यूटी है माशाल्लाह से इसकी। मैं आपको अगर चाल दिखाऊँ ना, इसकी चाल बड़ी प्यारी है, बड़े हल्के हल्के दबे दबे पैरों से बछड़ा चलता है। फेस ब्यूटी मैं आपको दिखा दूँ भाई। इसका कोई नाम रखा है तला भाई? नहीं, आप कमेंट्स में लोगों से पूछें इसका क्या नाम है। हाँ भाई, इसका कमेंट में नाम बताओ। अभी ये चारा खा रहा था तो आधे से ज्यादा, पांडू नाम है इसका, पांडू नाम है इसका। जरा सी गलती हो गई ना लफ्ज बोलने में तो मसले मसाइल हो जाएंगे। सब्सक्राइबर से पूछे, जो ज्यादा वोटिंग करेंगे तो उसका उस हिसाब से नाम, ठीक है भाई? इसका आप लोग बताओ क्या नाम रखना है, सही है? बाकी बहुत ही हसीन और हुसन वाला बछड़ा है भाई, ये छोटा सा इसका फेस है, सही है? और अभी फिलहाल ये बिचोलों में 2024 का है तो अच्छा खासा कद, ये कद निकालेगा नहीं निकालेगा? कद मेरे थोड़ा बहुत 19-20 निकलेगा, लेकिन निकालेगा, गोलाइयों में ज्यादा जाएगा माशाल्लाह से। चला भाई, ये भी अवेलेबल फॉर सेल है?
यार हाँ ये भी अवेलेबल है, थोड़ा सा भी निशानात रह गए हैं। अच्छा अच्छा बीमारी में आ गया था तो आप रिकवर कर गया इंशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह से ग्रोथ वाइज तो बहुत अच्छा है। ये चार है जी? नहीं है अभी दो। अच्छा दो ही रह गए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास नुकरे माशाल्लाह इतने भरे पड़े हुए ना कि कलर अलग दिख रहा है ना। पिछले साल हमने मंडी की थी तो हमारे पास टोटली नुकरे थे। अच्छा ब्लॉग शूट भी हुआ है हमारा। अच्छा तो 17 नुकरे थे हमारे पास। आ जाए मेरे साथ आ जाए। कस्टमर डिमांड से हम लोगों ने। अच्छा तो सही है बंदा एक गेम। हाँ सही है सही है। ये भी काफ़ी इसकी भी वैरायटी है भाई नुकरों में। एक बछड़ा भाई ये आ गया माशाल्लाह से। ये नाप झालर में कम है लेकिन कद में बहुत अच्छा है भाई। आप देख सकते हो उनके अगर ये प्रॉपर, ये देखो सर से भी ऊपर जा रहा है इनका फेस। देख सकते हो इसका कितना हसीन है, पलके तक इसकी सफ़ेद है। ठीक है चला भाई, एज के हवाले से बताएं इसके क्या दाँत हैं? दो दाँत हैं। दो दाँत हैं जी। सही हाइट तो इसकी बहुत है माशाल्लाह से। मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको कवर करने के लिए। ये इसकी बैग है भाई, थोड़ा सामने से चला के लेकर आएगा इसको। मतलब नुकरे तो बहुत देखे हैं लेकिन आपके पास ये है कि आप लोगों ने ना बड़े चुनके उठाए हैं माशाल्लाह से। ये देखो भाई माशाल्लाह से सामने से चलता हुआ आ रहा है तो लग रहा है कि कोई चीज़ आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई आप ये कह सकता हूँ काफ़ी अरसे के बाद कोई ऐसा फार्म विजिट करा है जिसमें एक से बढ़ के एक क्वालिटी दिख रही है नुकरों की। नहीं नहीं अदिल भाई आपकी मोहब्बत है, आप अपना माशाल्लाह प्यार दे रहे हैं तो बस कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी भी हम इसमें कोई बहुत वो नहीं माशाल्लाह सीख रहे हैं, बहुत सी गलतियां भी होंगी तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इसको इम्प्रूव। जिस तरह आप काम कर रहे हो ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आप देखो हमने 4 से 5 नुकरे निकाले जी। चारों के 4, 5 के 5 अलग हैं। एक हाइटेड में कोई छोलिस्तानी लुक दे रहे हैं। छोलिस्तानी नुकरा भी आपके पास है, आपके पास क्या भूरे में भी है, आपके पास अबलग में बछड़े भी हैं। इतना अच्छा प्रिंट आपके पास खड़ा हुआ है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस अल्लाह पाक आपको मुबारक करे भाई, अल्लाह पाक बरकत दे। और एक और चीज़ बोलूँगा, ये मैं हर किसी को बोलता हूँ कि भाई कोशिश करेगा जो रेट देना वो ऐसे हो कि ये भी क्योंकि आपकी जेब पे भारी भी ना हो और अगले की जेब पे भारी ना हो। ठीक है हो सकेगा क्योंकि ये वीडियो डलेगी तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा काफी अच्छा, क्योंकि आज से पहले मैंने इतने नुकरे इतने फार्म पे इतनी क्वालिटी होंगे लेकिन एक साथ इतने नहीं नोट किए। अवेलेबल फॉर सेल है भाई, मैं कहता हूँ ऐसी चीजें छोड़ा मत करो। डिस्क्रिप्शन में नंबर स्क्रीनशॉट मारो पहली फुर्सत में, देखो हो सकता है तो ये शायद अली भाई आपको रابطہ कर ले मेरे बड़े भाई। खास डिस्काउंट। अरे ये तो बेहतरीन हो गया। बरकत भाई बांध दे इसको यार, बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। मतलब नुकरों के अलावा जो इक्का दुक्का रखे हुए वो ऐसे रखे हुए हैं कि वाकई में दिल से कोशिश की है, खुशी को देख कर। माशाल्लाह यार आपके शौक को सलाम है। और मामू ने तो और आपने आज सही एंजॉयमेंट करवाई है हमें। आपको ये बताया मजा आया, बहुत मजा आया। लिटरली 6 घंटा 7 घंटा सफर करके आए। लिटरली तकरीबन 2 दिन हमें हो गए जी जी। और ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी घर के साथ आया हूँ। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। ये था हमारे तला भाई जिन्होंने हलानी में ऐसा शौक किया हुआ है जहाँ पे इन्होंने नुकरे और नुकरियाँ रखे हुए, कुछ बछड़े भी इन्होंने रखे हुए तो ऐसे नस्ली रखे हुए। क्या कह रहे हैं बरकत भाई? ये बरकत भाई का फेवरेट। अच्छा ये आजा 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 करवाते हैं इसको। ये तो फिर सब होना चाहिए ना, फिर जो बरकत भाई का फेवरेट है तो ना भाई अगले साल के लिए। ये अगले साल का बरकत भाई? बरकत भाई ये थोड़ा मेल में आ रहा है क्योंकि कोई भी इसका नहीं है। कोई मसला नहीं है मेल में, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा बस फीमेल में ना हो है। अगले साल के लिए पाल रहे हैं इसको। ये बरकत भाई का फेवरेट है, उन्होंने बोला 24 का सारे बछड़ों की बना रहो हमारे बछड़े की भी बनाओ। चलो ये देख लो भाई चाहिए ये हमारे पास है काला। सही है भाई, जिसको भी चाहिए भाई ले सकते हो आप लोग। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है जो भी रिस्पॉन्स होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है बरकत भाई बांध दो इसको। ये वैसे क्या है, इसकी एज क्या है वैसे? तले भाई को एज क्या पता है? तले भाई इसकी एज पता है आपको? ये 15-16 महीने का है अभी। अच्छा अच्छा फिर जब भी तो मैं बोलूं कि इसका तो कब भी अभी हल्का वो बच्चों टाइप वाला है कह सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है। मतलब मुझे हैं आप ये जो मालूमात रखते हैं उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, अभी मैं मेंशन कर दूं तो लोग। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको तला भाई की पहले हमने बछड़ों का कंपार्टमेंट दिखाया फिर आप बछड़ों को दिखाया। इसमें से कोई सा भी बछड़ा अच्छा लगे ना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मैंने, सही है आप मैसेज कर सकते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट के साथ करना। खुदा के वास्ते मुझे तंग मत करना कि ये बछड़ा कितने का ये बछड़ी कितने की है। वीडियो बना दिए, वीडियो के नीचे एक एरो आ रहा था नीचे की तरफ, उसको प्रेस करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वहाँ नंबर है तला भाई का, व्हाट्सअप पे तस्वीर भेज दो, उसकी डिमांड एज वगैरह जो भी है सब पता चल जाएगी। जितना माल खड़ा हुआ है हलानी में खड़ा हुआ है, ठीक है सिंध का एक शहर है और काफ़ी दूर है कराची से, तकरीबन 7 से 8 घंटे की ड्राइव है। तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो वीडियो पे लाइक करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।